समुन्मील संवित कमल मकरंदैकरसेकम् भजे हंस द्वंद्वम् किमपि महताम् मानसचरम्। यदा लापा दष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषा गुणम् अखिलम् अद्भ्यः पयैव विकसित संवित रूपी सरसीरुः पराग का रसिक प्रधान हंस युग्म को भजू महजन मानस में है जो रममान। जिसके संभाषण से होता अष्टादश विद्या विस्तार गुण से दोष विलग करता त्यों वारे दुग्ध सा भले प्रकार। हृदय देश में विकसित अर्थात हृदय के देश में मन मंदिर में विकसित संवित कमल से निकलने वाले मकरंद के एकमात्र रसिक उस किसी अद्भुत हंसों के जोड़े के भजन में मेरा मन सदा निरत रहता है जो महान पुरुषों के मन रूपी सरोवर में विहार करता है जिसकी वार्तालाप का परिणाम 18 विद्याओं की व्याख्या है और जो दोषों से समस्त गुण को इस प्रकार निकाल लेता है जैसे जल मिश्रित दूध से सब दूध को हंस निकाल लेता है। सब वृत्तियों का मूल अहम वृत्ति है और जिस स्थान पर अहम बुद्धि का उदय होता है वह हृदय है। यदि हृदय का स्थान अनाहत चक्र माना जाए तो मूलाधार से आरंभ होने वाले योग का उपक्रम भला कहाँ रह सकता है। इसलिए हृदय उससे अन्य है, अलग है और वह रक्त पिंड से भी अलग है। अयम हृद इस वाक्य से आत्मा का स्वरूप कहा गया है। अहम संवित अर्थात अहम वृत्ति का ज्ञान जिस स्थान से उदय होता हुआ अनुभव में आए वह ही हृदय का स्थान जानना चाहिए और वह स्थान आत्मा का स्थान है और वहां पर ही मन का स्फुरण होता है और वहां पर ही परमात्मा विराजते हैं और इस स्थान पर हंस मंत्र का जाप किया जाता है। हृदय में अष्टदल पद्म पर आत्मा स्वरूप हंस है, अग्नि और चंद्र उसके दो पंख हैं और यह परम हंस कोटि सूर्य के प्रकाश से युक्त है। हंस इस मंत्र का एक कोटि जप करने से यह कमल खिलता है। हम सह दोनों को हंस और हंसनी का जोड़ा कहते हैं। हम पुमान है और सह शक्ति का रूप है। कहते हैं कि हंस का जोड़ा जब वार्तालाप करता है तब योगियों को 18 विद्याएं आ जाती हैं। मानो दोनों की वार्ता का विषय उनकी व्याख्या स्वरूप होती है और वो 18 विद्याएं हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छंद चारों वेद दोनों मीमांसा दर्शन न्याय पुराण धर्मशास्त्र आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व विद्या और नीति शास्त्र। I worship the pair of swans who solely delights in the absolute knowledge, like a fully blossomed lotus in the great lake known as mind. From the conversation between these two swans, 18 arts have originated, which are capable of differentiating purities from impurities. This is like swans separating milk from water. Nirikshir Vivek. This 38th verse of Sundari Lehri speaks about Anahat Chakra, also known as the heart chakra. According to scriptures, one's soul resides here. There is a yogini here rejoicing in drinking nectar that flows down from Sahasrar. Probably based on these facts and experience, Shankaracharya could have composed this verse. The two swans described here refer to Shiva and Shakti. These two swans swim in the lake called
mind of the aspirant. When perfection is attained while meditating on this chakra, Agya chakra, which is controlling chakra for the mind, gets fully activated. The famous Hans mantra also originates from Anahat chakra. Hans Gayatri mantra, Hans Hansaya Vidmahe Paramahansaya Dhimahe Tanno Hansa Prachodayat, is to be recited from one dawn to the next dawn, aligning with one's breath, concentrating on each chakra one after another by beginning from the base chakra and ending at the crown chakra. And if this mantra is properly aligned with breath, then the counting will be 21,600 during this 24-hour period. Great yogis meditate on Shiva and Shakti in Agya chakra and seek liberation. Shakti is always in the form of bliss, and when she is realized, one begins to experience bliss, which sets the trend for one's spiritual life. And her realization then ultimately leads to the realization of Shiva. And when both of them are realized in the form of bliss and pure consciousness, one is able to distinguish between good and bad. Such a person will never indulge in mean thoughts and action. And this is the point of no return in spirituality. आइए अब पुनः 9 बार इस श्लोक की आवृत्ति करके आज का पाठ संपन्न करते हैं। समुन्नील संवित कमल मकरंदैकरसेकम् भजे हंस द्वंद्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापा दष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषा गुणम् अखिलम् अध्यः पयैव समुन्मीलत् संवित् कमल मकरन्दैकरसेकम् भजे हंस द्वन्द्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापा दष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणम् अखिलम् मध्यः पयैव समुन्मीलत् संवेत् कमलमकरन् दैकरसिकम् भजे हंस द्वन्द्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापा दष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणम् अखिलम् मध्यः पयैव समुन्नीलत् संवित् कमल मकरन्दैकरसेकम् भजे हंस द्वन्द्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापा दष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषा गुणम् अखिलम् मध्यः पयैव समुन्नीलत् संवित् कमल मकरन्दैकरसेकम् भजे हंस द्वन्द्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापा दष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषा गुणम् अखिलम् मध्यः पयैव समुन्नीलत् संवित् कमल मकरन्दैकरसेकम् भजे हंस द्वन्द्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापा दष्टादश गुणित विद्या
परिणतिः यदा दत्ते दोषा गुणम् अखिलम् अद्भ्यः पयैव समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकम् भजे हंस द्वन्द्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापादष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषा गुणम् अखिलमद्भ्यः पयैव समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसिकम् भजे हंस द्वन्द्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापादष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषात् गुणम् अखिलम् अद्भ्यः पयैव समुन्मीलत् संवित् कमलमकरन्दैकरसेकम् भजे हंस द्वन्द्वम् किमपि महताम् मानसचरम् यदा लापादष्टादश गुणित विद्या परिणतिः यदा दत्ते दोषा गुणम् अखिलम् अद्भ्यः पयैव ॐ उमा महेश्वराय नमः ॐ गौरये पार्वत्यै